इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने गूगल प्ले अकाउंट्स पर से, गूगल प्ले स्टोर अकाउंट पे से, अगर आप अपना गूगल अकाउंट चेंज करने लग गए तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से ही आप कर सकते हैं। अगर एक भी इनकम्प्लीट है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर से करेंगे। देखिए, बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस रहता है, प्रीमियम चीज़ें रहती हैं प्ले स्टोर पर, जो आप अपनी ईमेल एक आईडी से ही कर सकते हैं। अगर वो उसमें दूसरी आईडी चलाएंगे तो वहाँ पर आपको उस चीज़ के एक्सेस नहीं मिलने वाले। तो आपको उस आईडी को चलाना है जिस पर आपके ज़्यादा एक्सेस हो या फिर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हों। और बेसिक दूसरा यूज़ यहाँ पर कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरी बात यह है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में दो गूगल अकाउंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप एक चला रहे हैं तो आप दूसरा वाला अगर आप चेंज करने लग गए तो उसको आपको अपने गूगल अकाउंट में डाला हुआ पहले से ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको डाल लीजिए। आप चेंज करेंगे कैसे, यहाँ पर क्लिक करिए कोने पर और यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ये जो आपकी आईडी है, पहले आपको इसको अकाउंट को डालना होगा, या डबल डबल डालने लग गए तो उसको आपको नीचे के साइड क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपकी दूसरी ईमेल जो आईडी रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही आप इसको खोलेंगे, यहाँ पर जितनी भी एक्सेस की हुई एप्लीकेशन होगी, इस आईडी से इंस्टॉल की गई होंगी, हिस्ट्री बनी हुई होगी इसकी, तो वो आपको इसी आईडी से दिखाएगी, उस आईडी से नहीं दिखाएगी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं इनके। बाकी आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट में पहले दो बार लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप चेंज कर रहे हैं। अगर आप एक यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्ले स्टोर मांगता है चलने के लिए ही। उसके बाद दूसरा जो आपको सेटिंग में जाकर गूगल अकाउंट में आपको अपना एक और नया ऐड अकाउंट करना होता है। तो ये प्रोसेस रहता है इसको चेंज करने का। मे बी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।